से 101% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो 11th और 12th दोनों क्लास के सिलेबस को कवर करता है। हमारे चैप्टर का नाम है फंक्शन। देखिए, फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 11th के भी सिलेबस में है और आपके 12th क्लास के भी सिलेबस में है, और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे के टॉपिक को समझने के लिए। एक्चुअल में कैलकुलस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो फंक्शन से होता है। बिना फंक्शन को हम समझे आगे कैलकुलस में बहुत प्रॉब्लम महसूस करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। खासकर डोमेन और रेंज फाइंड करने का जो हमारा क्वेश्चन है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर होता है। और आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो कम्प्लीटली इसके बेसिक फंडामेंटल पर बात करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फंक्शन के प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते और उनके प्रॉब्लम्स करने लगते हैं, जिसके कारण उनको खासकर डोमेन और रेंज फाइंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आज मैं बहुत छोटी छोटी बातों को आपसे डिस्कस करूंगा। फंक्शन के डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूंगा। बेसिकली आज जो मैं क्लास लूंगा वो 11th के सिलेबस को मैच करता है, लेकिन आप में से जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको मेरा एक सजेशन है कि आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपका 11th का रिवीजन हो जाए, और 12th का फंक्शन, जब आप मेरा 12th फंक्शन का वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन है क्या। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन का एक कॉमन सेंस हमारे दिमाग में होता है, या हम ये वर्ड बहुत कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, मोबाइल का फंक्शन क्या है, इस कार का फंक्शन क्या है, दैट मीन्स हम किसी भी डिवाइस के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सपोज मेरे पास कोई डिवाइस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है। सपोज अपन एग्जाम्पल लें कि एक फ़ैन है अपने पास, तो फैन में क्या होगा, बेयरिंग लगा होगा, अंदर में आर्मेचर होगा, उसके कॉयल होंगे, सब मिला के पूरा सिस्टम मिला के फंक्शन बनता है। दैट मीन्स किसी वर्क को कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए उसके छोटे 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 से बहुत सारे पार्ट्स का जरूरत पड़ता है, और सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, उसका फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो मैथमेटिक्स में भी उसी तरह से फंक्शन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूँ कि सपोज मेरे पास एक एल्जेब्रिक रिलेशन है, वो है सपोज वाई इक्वल टू x प्लस थ्री। सपोज y इक्वल टू x प्लस थ्री एक रिलेशन है। अब यहाँ पर हमने टू वेरिएबल्स यूज किया है, x एंड y। तो आपने लोअर क्लासेस में इस तरह का ग्राफ वगैरह ड्रा किया है, आपको याद होगा। तो सपोज यहाँ पर मैं इनके बीच में एक रिलेशन बनाना चाहूँ इस तरह से, तो ये x का वैल्यू है और उसके लिए y का रिलेटेड वैल्यू है। सपोज मैं यहाँ पर इस रिलेशन में x का वैल्यू जीरो पुटअप किया, तो नेचुरली y इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, थ्री मिलेगा। सपोज x का वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट अप करूं, तो y का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यदि पर यहाँ पर मैं x का वैल्यू -1 पुट अप कर दूं, x का वैल्यू -1 पुट अप करूं, तो y का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं x के वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, उसी के सिमिलरली y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर y का वैल्यू 3 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा। That means in this case the value of y completely depends upon the value of x. मतलब यहाँ पर y जो वेरिएबल है उसका वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि y is a function of x. y x का एक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि वह डिपेंड करता है। दैट मीन्स एक्चुअल में फंक्शन उसकी डिपेंडेंसी है, दूसरे वेरिएबल डिपेंडेंसी है। इसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल फंक्शन ऑफ x। इसको हम रीड करेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, या इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, f सच दैट x टेंड्स टू y। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। कहीं भी किस भी सपोज ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में लिखना चाहते हैं सपोज, तो सपोज y इक्वल टू हमने लिखा है साइन x। हियर द वैल्यू ऑफ y इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। दैट मीन्स सपोज यहाँ पर मैं x इक्वल टू 30 डिग्री पुट अप कर दूँ, तो y इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, आपको पता है क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। सपोज मैं x इक्वल टू यहाँ पर 45 डिग्री रख दूँ, तो y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1/4
रूट टू मिलेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी y क्या है, x का एक फंक्शन है, क्लियर। तो ये होता है फंक्शन। अब देखिए इस चैप्टर में जो हम फंक्शन पढ़ेंगे, इससे पहले आप रिलेशन पढ़ चुके हैं और रिलेशन में हम सेट थ्योरी और सेट के बारे में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि फंक्शन में हम किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। हमने सेट थ्योरी में भी डोमेन और रेंज पढ़ा है, यहाँ फंक्शन में भी डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, लेकिन दोनों जगह में डोमेन और रेंज निकालने का जो तरीका है वो अलग होता है। और डोमेन रेंज जब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इंटरवल्स का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए सबसे पहले हम इंटरवल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्लियर। नाउ व्हाट इज इंटरवल? इंटरवल क्या होता है ये समझना अपने को सबसे पहले जरूरी है। इंटरवल समझे बिना हम डोमेन रेंज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं इंटरवल्स। व्हाट इज इंटरवल्स? देखिए जब हम डोमेन फाइंड करते हैं, आगे मैं डोमेन को आपको क्लियर करूंगा लेकिन पहले मैं बता दूं रिप्रेजेंटेशन उसका। तो इंटरवल्स का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के वैल्यूज, मिनिमम लोअर वैल्यू या मैक्सिमम अपर वैल्यू, या उसको जिस क्राइटेरिया पर हम मिनिमम अपर के बीच में लिखते हैं उसको लिखने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं इंटरवल्स को। फर्स्ट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है? देखिए सपोज एक्स एक वेरिएबल है और उसके टू वैल्यूज हैं ए एंड बी, और उसमें दोनों वैल्यू का बिहेवियर कैसा है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यदि इस तरह का कंडीशन हो तो हम उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। दैट मीन्स एक्स के टू वैल्यू इस तरह से हो कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, दिस इज क्लोज इंटरवल। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ मैं आपका ए बी, इस तरह के ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इसका क्लोज्ड इंटरवल। तो कहीं भी इस तरह का ब्रैकेट लगा होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, एक्चुअल में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये क्लोज्ड इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है। तो क्लोज्ड इंटरवल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। नाउ सेकंड इज सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी क्लोज और सेमी ओपन ये किस तरह से होगा? देखिए सपोज ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी, ऐसा हो, या हम इसको इस तरह से भी लिखें ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स का यहाँ पर जो वैल्यू है, ए का वैल्यू एक्स से लेस देन आर इक्वल टू है और एक्स बी से ओनली लेस देन है। यहाँ पर देखिए ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू। अब इसको यदि हम करें सेमी क्लोज्ड तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इधर लगेगा क्लोज्ड और ये हो जाएगा ए बी, ये होगा ओपन, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इधर ओपन है तो ऐसा ए बी और इधर क्लोज्ड है, इस तरीके से। ये होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ये आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप डोमेन रेंज के आंसर प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे। एंड थर्ड इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है? देखिए ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, मतलब यहां पर दोनों तरफ से ओपन है। यहां पर ए और बी का वैल्यू शामिल नहीं है, एक्स के वैल्यू में इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग ए बी, ए बी को छोड़ के, क्लियर। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी इस तरह से, या कई बार कई राइटर्स बुक्स में इसको इस तरह से भी लिखे हुए मिलेंगे, तो आप उसको कंफ्यूज मत होना। हम इसको ओपन, मतलब ये जो क्लोज्ड है उसको हम दोनों तरफ से ओपन कर देते हैं, तो ऐसा भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इंटरवल्स। तो थ्री टाइप्स से इंटरवल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये आपको सबसे पहले समझना है, क्लियर। अब हम देखेंगे डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन आपने सेट थ्योरी में पढ़ा, तो वहां पर जब टू वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उसके जो वैल्यूज मिलते हैं, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर मिलते हैं, तो उस ऑर्डर पेयर में आप जो फर्स्ट एलिमेंट्स को लेके जो सेट बनाते हैं वो डोमेन कहलाता है, और सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को लेके बनाते हैं वो उसका रेंज कहलाता है। लेकिन यहाँ पर डोमेन रेंज को हमको थोड़ा अलग ढंग से समझना है। डोमेन, व्हाट इज डोमेन? थ्री कॉन्सेप्ट अपन यहाँ क्लियर करेंगे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है? सपोज वी हैव ए फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, सपोज अपने पास एक y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया f such that x tends to y। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि x जो सेट है, x के एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसके जो डिटरमाइंड वैल्यूज होंगे या डिफाइंड वैल्यू, डिटरमाइंड वैल्यू, या मैं इसको कहूँ अपने कॉमन लैंग्वेज में डिफाइंड वैल्यूज, तो ये डिफाइंड वैल्यूज का जो सेट होगा, सेट ऑफ ऑल डिटरमाइंड वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। मतलब क्या हो इसका कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, अब उस फंक्शन को हम चेक करेंगे कि वो कितने वैल्यूज के लिए डिटरमाइन है, दैट मीन्स डिफाइन है, कितने वैल्यू के लिए, कितने रियल वैल्यूज के लिए वो डिफाइन है, वो पूरे वैल्यू का जो सेट होगा, द सेट ऑफ ऑल डिटरमाइन वैल्यूज इज डोमेन। और उसके बाद वाई का जो होगा, वाई यहां पर को डोमेन होगा, वाई के जो वैल्यूज मिलेंगे, जैसे भी मैंने यहाँ पर बताया फंक्शन को डिफाइन किया तो कि x के जिस जिस वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। जैसे आपको पता है कि सेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है कि सेकंड नंबर का जो सेट होता है b, सपोज अपने पास a और b दो सेट है, तो ये जो b सेट है यदि हम दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो यहाँ पर जो b सेट है वो a सेट का क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी y जो होगा इसका कोडोमेन कहलाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे एल्गोरिदम ऑफ द फाइंडिंग डोमेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके एल्गोरिदम क्या है, हम किस तरीके से हम डोमेन को फाइंड करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि डोमेन मैंने क्या बताया कि द सेट ऑफ ऑल डिटरमाइन वैल्यूज, दैट मीन्स द सेट ऑफ ऑल डिफाइंड वैल्यूज। अब यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि डिफाइंड वैल्यूज और नॉट डिफाइंड या नॉट डिटरमाइंड वैल्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये आप नोट करके रखना, नॉट डिटरमाइंड वैल्यू कौन कौन सा वैल्यू हम मैथमेटिक्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे फर्स्ट है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज नॉट डिटरमाइन वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी इज नॉट डिटरमाइन वैल्यू। एंड सेकंड इज 0.0 इज नॉट डिटरमाइन वैल्यू, कहीं पर भी हमारा फंक्शन यदि 0.0 आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉट डिटरमाइन बोलेंगे। एंड थर्ड इज रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमको पता है कि हम निगेटिव नंबर्स के रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए क्या है इसको भी हम नॉट डिटरमाइन कंडीशन लेते हैं, दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी ऐसा वैल्यू आए तो हम उसको नॉट डिटरमाइन बोलेंगे, बाकी जो भी वैल्यू आएगा वो डिटरमाइन वैल्यू होगा। तो यहाँ पर जो डिटरमाइन वैल्यूज का जो सेट होता है वही क्या होता है, डोमेन कहलाता है। अब हम देखेंगे इसके एल्गोरिदम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यहाँ पर ये सिखाना चाहूँगा कि हम डोमेन फाइंड कैसे करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम क्या है कि वो डोमेन फाइंड करने के प्रोसेस, क्योंकि अभी हम फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम क्या देखेंगे कि बहुत से फंक्शन के जो डोमेन फाइंड करने के तरीके हैं वो सब अलग अलग होते हैं, तो सबका तरीका अलग होगा, तो उसके हिसाब से हमको समझना होगा कि किस तरह के फंक्शन में हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये मैं एल्गोरिथम आपको समझा रहा हूं, ये हम डोमेन किस तरह से फाइंड करेंगे, हम डोमेन किस तरीके से फाइंड करेंगे इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमको गिवन फंक्शन होगा, हमको एक फंक्शन गिवन फंक्शन होगा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये हमको एक फंक्शन गिवन होगा,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में हम इसके डिटरमाइन वैल्यू, इसका हम डिटरमाइन वैल्यूज फाइंड करेंगे। जितने वैल्यू डिटरमाइन होंगे, अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ में आएगा, तो जितने इसके डिटरमाइन वैल्यूज होंगे वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। और यदि हमको डिटरमाइन वैल्यूज फाइंड हो जाए तो इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ए बी दो वैल्यू मिलता है तो या तो ऐसा मिलेगा, तो डिटरमाइन वैल्यूज के लोअर और अपर वैल्यूज को इस तरीके से हम लिख देंगे यदि वो क्लोज्ड इंटरवल में होगा। तो सपोज वो सेमी क्लोज्ड में होगा तो उसको हम ऐसा लिख देंगे, सपोज ओपन इंटरवल में होगा तो इस तरह से लिखेंगे। और सपोज टू आर मोर देन टू फंक्शन है, सपोज हमारे पास फंक्शन दो से ज्यादा है, तब हम उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये अपने को ए बी मिला इस तरह से, अब ये सपोज यूनियन हो रहा है किसी के साथ में तो सी डी ऐसा यूनियन हो सकता है, और किसी के साथ में यूनियन हो सकता है। मतलब सपोज इफ वी हैव टू आर मोर देन टू फंक्शंस देन वी रिप्रेजेंट डोमेन इन दैट फॉर्म। सिंगल फंक्शन है तो इस तरीके से, और उससे ज़्यादा फंक्शन इस तरह से, बाकी सब आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम जब कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा। जब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसके हम डिटरमाइन वैल्यूज फाइंड करेंगे। और सपोज हम डिटरमाइन वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हम सभी फंक्शन में डिटरमाइन वैल्यू फाइंड कर लें, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नॉट डिटरमाइन वैल्यूज फाइंड करेंगे। नॉट डिटरमाइन वैल्यूज फाइंड करेंगे, और नॉट डिटरमाइन वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर माइनस एक कर्ली ब्रैकेट लगा के, सपोज ए के लिए नॉट डिटरमाइन है तो ऐसा लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्लियर। यहाँ पर मैंने बताया कि जब डिटरमाइन वैल्यू फाइंड होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पर मैंने बताया कि नॉट डिटरमाइन वैल्यू होगा तो आर में उसको हम माइनस, आर मीन्स रियल नंबर, तो रियल नंबर में ये ए को हम माइनस कर देंगे। ए क्या है, क्या है यहाँ पर, नॉट डिटरमाइन वैल्यू है तो डोमेन हो जाएगा वो, कैसे डोमेन हो गया, आर मीन्स आर रियल नंबर, और आर रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिया नॉट डिटरमाइन को, तो जो बचेगा क्या हो जाएगा, वो डिटरमाइन हो जाएगा। मतलब इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो डिटरमाइन वैल्यू हो जाएगा, और डिटरमाइन वैल्यू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा, क्लियर। इस तरीके से हम डोमेन को दो तरीके से फाइंड करते हैं, ये मैं आपको बताया एल्गोरिदम उसका। सबसे पहले हमको एक फंक्शन गिवन होगा, फिर उस गिवन फंक्शन में हम डिटरमाइन वैल्यू फाइंड करके इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और सपोज हम डिटरमाइन वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए तो नॉट डिटरमाइन वैल्यू फाइंड करेंगे, और आर रियल नंबर में जो नॉट डिटरमाइन वैल्यू मिलेगा उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिटरमाइन दैट मीन्स डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से हम डोमेन फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं रेंज, रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे। रेंज एक्चुअल में क्या होता है, डोमेन रेंज पर होता है ना। यहाँ पर मैं आपको एक वैल्यू बता दूं तो आपको रेंज समझ में आ जाएगा। रेंज आप कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, रेंज इसका रेंज कहाँ तक है, वेव्स का रेंज कहाँ तक है, या फिर अपन बोलते हैं कि मिसाइल के रेंज कहाँ तक है। रेंज का कॉमन सेंस वही है कि डोमेन एक्चुअल में किस रेंज के अंदर में है, मतलब जो डिफाइन वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं एक्चुअल में किसके अंदर है वो क्या कहलाएगा, उसका रेंज कहलाएगा। तो रेंज का एल्गोरिथम, यदि हम रेंज के एल्गोरिथम पर बात करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो मैं बताया आपको गिवन होगा क्या, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सेकंड नंबर में इसको क्या करेंगे, सॉल्व फॉर, सॉल्व इट फॉर x, इसको हम क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, इन टू द फॉर्म ऑफ y,
ये सेंटेंस को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट को रेंज फाइंड करने में प्रॉब्लम होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। डोमेन रेंज एक्चुअल में मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आपको बताया, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस पर मैंने यही बात देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट डोमेन रेंज फाइंड करने में दिक्कत महसूस करते हैं, और इससे 101% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने हैं। तो ये तो नाम से क्लियर है, अब बस नाम से समझ में आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन क्या है। क्लियर, पॉलीनोमियल फंक्शंस, पॉलीनोमियल्स नेचुरली जिसमें क्या मोर देन टू टर्म्स हो। सपोज हमारे पास फंक्शन कैसा है, इस तरह से फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² + 2x + 5 इस तरीके से लिखा हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है वो पॉलीनोमियल फंक्शन है। ये पॉलीनोमियल फंक्शन हो गया। इसके बाद देखिए मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस आपको पता है कि मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए यदि सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो, मॉड ऑफ एक्स इस फॉर्म में लिखा हो तो क्या कहलाएगा, वो मॉडुलस फंक्शन कहलाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स होगा कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, या इसका वैल्यू माइनस हुआ व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। यदि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो हम मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और लेक्स इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। आप यहाँ देखो, यहाँ पर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है, वो बोलते हैं सर ये तो मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इन द केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन वी टेकन टेक फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एक्स, एंड इन द केस ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो इट विल बी माइनस एक्स। क्लियर, ये आप ध्यान रखना। तो मॉडुलस फंक्शन क्या लगता है, 6 नंबर फंक्शन में देखो आप लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग यूज किया गया हो, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज मैंने लिख दिया लॉग एक्स प्लस 3, आप इसको लॉग को देख के समझ जाएंगे कि क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब नाम से क्लियर है। 7th इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जो क्या हो e टू दी पावर एक्स के फॉर्म में लिखा गया है, सपोज इस टू दी पावर एक्स माइनस कुछ भी लिख दिया, 5 लिख दिया कुछ भी, मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए एक्सपोनेंशियल। तो जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है e टू दी पावर एक्स होता है। अब मैं कुछ ऐसे फंक्शन आपको बता रहा हूँ जो बहुत स्पेशल हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्लियर, तो ये तो पूरे नाम पर बेस्ड है, कॉन्स्टेंट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन। क्लियर, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और कुछ है जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसमें क्या किया गया हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज किया गया हो, दैट मीन साइन से लेकर कोसेक तक कुछ भी लिखा गया हो, वो भी समझा दूं मैं आपको 8th नंबर में। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, कई राइटर ने पूरे फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया है, इवन आपको एनसीईआरटी के बुक में भी 7-8 फंक्शन ही मिलेंगे, लेकिन मैं कंप्लीट फंक्शन का कलेक्शन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल हो। और मैं इसके क्वेश्चन भी सभी फंक्शन के कराऊंगा, सारे फंक्शन के मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज 11 + 7 साइन एक्स, ये मैंने लिख दिया रिलेशन। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, साइन एक्स यूज़ किया गया है, तो साइन से लेकर कोसेक तक कोई भी यदि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू यूज़ किया गया है तो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होगा, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 4 - cos inverse 3x - 1 ऐसा लिखा है सपोज, तो यहाँ पर ये इनवर्स को देख के हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। क्लियर, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हम यहाँ पर देखते हैं सिग्नम फंक्शन, 10 नंबर का फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको लिखते भी जा रहा हूँ कि कौन कौन से फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिग्नम फंक्शन, क्योंकि अब नाम से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, लॉगरिथमिक तो लॉग समझ गए, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल समझ गए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री समझ गए,
लेकिन सिग्नम फंक्शन नाम से आपको क्लियर नहीं होता, नया चीज है आपके लिए। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स हो, इस फॉर्म में कोई फंक्शन हो तो क्या कहलाता है, वो सिग्नम फंक्शन कहलाता है। दैट मीन्स क्या होगा, जिस वैल्यू का मॉड होगा उसी वैल्यू का क्या होना चाहिए, उसमें डिवाइड होना चाहिए। क्लियर, दैट मीन एक तरह से ये रेशनल फंक्शन। यहाँ पर एक फंक्शन मैं आपको और बता दूं, चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन ये टाइप है, तो रेशनल फंक्शन का मान मतलब क्या होगा, आप समझ गए होंगे कि यदि फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो। यदि हमारा फंक्शन रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, हियर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैं आपको बता चुका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू जीरो होगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यदि हमारा फंक्शन क्या हो, रेशनल फॉर्म में हो, रेशनल फंक्शन कहलाता है। मैं यहाँ पर आपको इसलिए बताया कि ये भी रेशनल के फॉर्म में होता है। अब ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिसका मॉडुलस होगा सेम वैल्यू का, उसमें डिविजन होना चाहिए, सेम वैल्यू का डिविजन होगा तो क्या कहलाएगा, वो सिग्नम फंक्शन कहलाएगा। इसका वैल्यू किस तरह से होता है, देखिए ये होता है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान देना, यदि x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और यदि x इक्वल टू 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा। यहाँ नॉट डिटरमाइन नहीं होगा, ये आप कॉन्सेप्ट किस लिए बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पकड़ते जाइए, अदरवाइज आपको डोमेन जब मैं समझाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये सब आपको पहले अच्छा समझ जाए। तो x इक्वल टू 0 पर इसका 0 वैल्यू होगा, नॉट डिटरमाइन नहीं होगा, और माइनस 1 होगा क्या, x लेस देन 0 पर। इस तरीके से इसका रेंज बिटवीन 1 एंड माइनस 1 होता है, और बीच में एक 0 वैल्यू आता है, ये कहलाता है सिग्नम फंक्शन। ये 11 फंक्शन हुए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पर आपको डिस्कस करूंगा, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही कवर होता है। एक अकेला ऐसा फंक्शन है जो पूरे फंक्शन एक तरफ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसलिए आप उसको बहुत ढंग से समझना है। इसलिए मैं सबसे पहले इजी फंक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको 3-4 जो फंक्शन और बताऊंगा वो अलग टाइप से हैं। क्लियर, तो नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन नंबर 12। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GIF भी कह देते हैं, कहीं पर भी आपको GIF बोले से आप समझ जाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले आप देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम इस तरह के ब्रैकेट से, क्लोज इंटरवल के फॉर्म का जो ब्रैकेट होता है, यदि फंक्शन में आपको ऐसा कहीं पर दिखे तो आपको समझ जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमको एक गिवन फंक्शन होगा, फिर उस फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, किसके लिए, एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे इन टू द फॉर्म ऑफ वाई, मतलब हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे वाई के फॉर्म में। क्लियर, और थर्ड नंबर में हम क्या कर लेंगे कि वाई के डिटरमाइन वैल्यू, इसके डिटरमाइन वैल्यूज फाइंड करेंगे, और ये वाई के डिटरमाइन वैल्यूज फाइंड होंगे उन्हीं का सेट क्या होगा, रेंज होगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे डोमेन रिप्रेजेंट किए थे, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि आगे तो एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बता दूं ये समझाने के लिए कि डोमेन रेंज एक्चुअल में होता क्या है, अदरवाइज आपके दिमाग में ये उलझा रहेगा कि मैंने क्या क्या बता दिया आपको। तो देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जहाँ पर हम डोमेन भी निकालेंगे और रेंज। एक बहुत ईजी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल एक्स प्लस 2 अपॉन या x माइनस 2 कुछ भी ले सकते हैं अपॉन 3 माइनस x, ये मैंने एक फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन का हमको डोमेन फाइंड करना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसका डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन क्या होगा, डोमेन मैंने बताया डिफाइन आर डिटरमाइन वैल्यूज। तो आप देखिए ये जो फंक्शन है
ये डिटरमाइन कब होगा, ये कब डिटरमाइन होगा। देखिए इसके न्यूमरेटर में 3 माइनस एक्स है, यदि इसका न्यूमरेटर 0 हो जाए तो ये नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और अभी मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिटरमाइन होता है। ये बात आपको सबसे पहले चेक करना है कि एक्चुअल में आपका जो गिवन फंक्शन है उसका डिटरमाइन या नॉट डिटरमाइन होना हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यदि इफ 3 माइनस एक्स, दैट मीन्स 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर द डिटरमाइन वैल्यू, मतलब 3 माइनस एक्स का जो वैल्यू है उसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज इसको हम आगे सॉल्व करें तो x इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 3, x को 3 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 3 को छोड़ के कुछ भी होना चाहिए। अरे वासन, मतलब मैंने बताया कि इसका डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाए तो नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, तो 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 3, तो x के वैल्यू 3 के लिए डिटरमाइन नहीं है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r माइनस 3, ये हो जाएगा इसका डोमेन। ये इसका डोमेन क्यों हो जाएगा, क्योंकि r रियल नंबर में सिर्फ 3 ही एक ऐसा वैल्यू है, x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3 0 होगा, और किसी भी नंबर में हम 0 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज नॉट डिटरमाइन वैल्यू। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्लियर, कि कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। अब हम रेंज फाइंड करें सपोज इसका, तो रेंज फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करने के लिए अभी मैंने क्या बताया कि हम अपने फंक्शन को क्या करते हैं, x के लिए सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज आल्सो इक्वल टू y, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। अब इसको आपको क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है, दैट मीन्स इस वैल्यू को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इसका इसके साथ, तो 3y माइनस 3x इक्वल x माइनस 2, दैट इम्प्लाइज हम ये 3x को इस साइड में ट्रांसफर कर दें तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 4x, 4x माइनस 2 इक्वल टू 3y, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 2 अपॉन 4, क्लियर। इस तरीके से इसका वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड हो जाएगा, क्या y इक्वल टू हमने ले लिया x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस एक्स, इसका फंक्शन का वैल्यू को ले लिया। अब यहाँ पर देखो मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसीलिए दिक्कत हो गई, मल्टीप्लीकेशन गलत कर दिया, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y और माइनस क्या होगा, एक्स वाई होगा, मैंने दोनों के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था, इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब एक्स को एक्स साइज सेपरेट कर लेते हैं जैसे किया था, तो इसको मैं यहाँ पर सेपरेट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3y, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम एक्स कॉमन करते हैं तो वाई प्लस 1 इक्वल 3 किधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 3y प्लस 3, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 3y प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 1, ये हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर डोमेन चेक किया, तो डोमेन चेक किया तो क्या देखा, हमने इसके डिनोमिनेटर को देखा नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर फॉर डिटरमाइन वैल्यू y प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, y प्लस 1 को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y प्लस 1 0 होगा तो ये नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, रियल नंबर नहीं रहेगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो y इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, इससे क्या सेंस क्लियर होता है कि y के वैल्यू को माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो उसके वैल्यू को होना चाहिए r में माइनस 1 को छोड़ के सब होना चाहिए, तो ये इसका रेंज हो जाएगा, क्लियर। तो डोमेन और रेंज में आप क्लियर ये बात देख रहे होगे कि डोमेन को हम डायरेक्ट फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं डिटरमाइन या नॉट डिटरमाइन, और जब हमको रेंज निकालना होता है तो रेंज निकालना होता है तो हम उस फंक्शन को किसके लिए सॉल्व करते हैं, एक्स के लिए इनटू द फॉर्म ऑफ वाई,
ये मैंने अभी आपको एल्गोरिदम में आपको समझाया कि हम उस फंक्शन को x के लिए सॉल्व करते हैं, क्लियर। बाकी अभी बहुत से क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के रूप में बताया आपको कि किस तरीके से हमको डोमेन रेंज को फाइंड करना होता है, क्लियर। ये है डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। अब जो मैं आपसे बात करूंगा वह इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए किसी भी स्टूडेंट को यदि फंक्शन के टाइप नहीं पता है, यदि वो ये नहीं जानता कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो उसको डोमेन रेंज फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम फंक्शन के डोमेन रेंज फाइंड करेंगे तो हर फंक्शन का डोमेन रेंज फाइंड करने का मेथड थोड़ा अलग अलग होता है। इसलिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। जनरली मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट फंक्शन के टाइप को बहुत लाइटली लेते हैं, ये तो ऐसे ही है, बुक में भी बस का स्केप कर देते हैं और सीधा एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं। ये बहुत ही गलत है। इसलिए मैं आज के अपने इस पहले क्लास में, फंक्शन का आज मेरा पहला क्लास है, इस पर पूरी कोशिश करूंगा कि बेसिक क्लियर हो जाए। फिर इसका जो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें मैं इसके पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आपको सब ऐसा भी मैं हर वीडियो में आपको एक बार जरूर याद दिलाता हूँ कि किसी भी चैप्टर का जब आप मेरा पहला वीडियो देखते हैं तो मेरा पूरा कोशिश होता है कि पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट और फार्मूला लर्न किए बिना आप मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स देखिए, फंक्शन के नियर अबाउट 15 टाइप्स हैं, लेकिन इसमें बहुत से फंक्शन ऐसे हैं जो बहुत कॉमन और बहुत आसान है। दैट मीन्स अपने नाम से ही उनका सेंस क्लियर होता है, लेकिन मैं एक एक लाइन में सबको आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसको क्या करना है अपने को अच्छे समझना है। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टाइप इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखो एक लाइन में बताते जा रहा हूं मैं, जो नाम से क्लियर है। कांस्टेंट मतलब ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एनी कांस्टेंट वैल्यू के। सपोज मैंने कहीं पर लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 3, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, तो एक कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है और ये बहुत ही कॉमन है। फिर भी उसके टाइप्स को एक बार बताने के लिए मैं सबको रिवाइज कर देता हूं आपको। सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल फंक्शन, जो बहुत आसान है उनको एक एक लाइन में बता देता हूँ मैं। रेसिप्रोकल फंक्शन किसको बोलेंगे, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, हम फंक्शन को क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें एक्स के वैल्यू को। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने 1/ के फॉर्म में लिख दिया तो क्या कहलाएगा, उसका रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाएगा। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होगा, सपोज हमारा फंक्शन किस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। सपोज मैंने एक्स माइनस है कि वो फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये इसकी आइडेंटिटी है, पहचान है कि फंक्शन के अंदर आपको ये दिखना चाहिए, क्लियर। इसके बाद इस फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, सपोज हमारा कोई फंक्शन ऑफ एक्स है और उसका वैल्यू सपोज 0 है। यदि वो फंक्शन ऑफ एक्स 0 है तो उसके वैल्यूज क्या होंगे, उसको लिखा जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1। मतलब इसमें खास बात क्या होती है, फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा और लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, और सेकंड नंबर का जो वैल्यू होगा इससे ठीक मोर 1 मोर होगा, एक ज़्यादा होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको करेंगे 0 के तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट और इधर ओपन सेमी क्लोज्ड। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन के फॉर्म में ही होता है। सपोज अपने पास फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1 है तो क्या इसके लिए वैल्यू लिखा जाएगा, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन, अब इसमें 1 ऐड कर दो आप, एग्जैक्ट 1 इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1 to 0। फॉर एग्जाम्पल सपोज फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कहीं पर मुझे 7 के लिए लिखना है, तो 7 के लिए कैसे लिखूंगा, 7 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन इससे 1 मोर, मतलब 8, और रिप्रेजेंट कैसे होगा, 7 क्लोज और 8 ओपन।
क्लियर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो वो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को हम लिखते कैसे हैं। सपोज कहीं पर मेरे पास है, इस तरह से लिखा है मैंने 5/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा सॉल्व करने से। अब इसको जब इंटीजर वैल्यू आप लिखोगे, अभी तो डेसिमल में है, जब इसका इंटीजर वैल्यू लिखोगे तो 2.5 से छोटा इंटीजर, मतलब 2.5 से पहले इंटीजर क्या होगा, 2, तो ये इसको 2 लिखा जाएगा। ये आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सपोज कहीं पर लिखा है -1.3, तो -1.3 से छोटा इंटीजर, उससे पहले का इंटीजर क्या होगा, -2, ये -2 होगा। ये आप नोट करके ध्यान रखना, ये यदि आपको क्लियर नहीं है तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए ये जितना मैं बता रहा हूँ, सपोज कहीं पर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 1.9 ऐसा लिखा हुआ है, तो 1.9 से पहले का इंटीजर, बात का नहीं, पहले का इंटीजर क्या है, 1, क्योंकि 1 के बाद 1.9 आता है। इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझा जाता है, क्लियर। इसके बाद मैं आपको बता दूं रेयर ऑफ द रेयर फंक्शन, दैट मीन्स नाम नहीं है ना उसका, रेयर ऑफ द रेयर, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो आपको बहुत रेयर मिलेगा समझने के, पढ़ने के लिए रेयर फंक्शन है वो। बहुत से राइटर ने उस पर तो कभी डिस्कस ही नहीं किया, आपको बहुत रेयर राइटर मिलेंगे, रेयर टीचर्स के क्लास मिलेंगे, जहां पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद वो फंक्शन का पता चलेगा, इसलिए मैं बोला रेयर है वो है। इसको आप स्पेशल नोट करके याद रखना, स्पेशल नॉलेज ही हो सकता है आपके लिए, ये वो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वैसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला नीचे का क्लोज नहीं होता, ये इसको इस तरीके से आप देखोगे तो समझ जाओगे ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और इसका बिहेवियर किस तरह से होता है, इसका ठीक उल्टा बिहेवियर होता है। जैसे सपोज मैंने लिखा 2.5, अब ऐसा लिखेंगे इसको ना, ऐसा, ये 2.5 को हमने क्या लिखा, उसका उससे पहले वाला इंटीजर, इसमें ठीक उल्टा होता है, इससे बाद वाला इंटीजर, मतलब क्या हो जाएगा ये 3। सेम एग्जांपल को मैं आपको करके बता रहा हूं, ये -1.3, तो आपको अभी हमने क्या लिखा, इससे पहले वाला इंटीजर, और इसमें मैं क्या बोला, बाद वाला इंटीजर, तो -1.3 के बाद वाला इंटीजर क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1, क्लियर। इसके बाद वही इंटीजर आएगा, आप नंबर लाइन को देखेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नंबर लाइन आप ड्रा करोगे तो -1 पहले होगा, इसके बाद -1.3 होगा, तो इसके बाद वाला इंटीजर ये -1 होगा, ये तो डेसिमल में है। ये मैंने बताया 1.9, सपोज 1.9 को आप स्मॉलेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 1.9 के पहले का इंटीजर ग्रेटेस्ट हुआ और बाद का इंटीजर स्मॉलेस्ट होगा, क्या होगा, 2। तो ये कंपेरेटिवली पढ़िए, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये रेयर है, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत से राइटर्स के बुक्स में, एक्चुअल में आपको किसी एक राइटर के बुक में तो पूरे फंक्शन मिलेंगे भी नहीं, लेकिन मैं बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन को आपके क्लास में एक साथ दे रहा हूँ, कि मेरी कोशिश है कि मैं लगभग सारे फंक्शन को आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठें तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये मैंने 13 फंक्शन एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट 15 फंक्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, वो है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, उसके बाद हमारे फंक्शन के टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ऑड फंक्शन का हमको बहुत जरूरत पड़ता है। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, सबसे पहले हम समझते हैं
14 नंबर का फंक्शन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या, देखिए सपोज मैं लिखा फंक्शन ऑफ x इक्वल x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या किया, फंक्शन x को मैंने निगेटिव वैल्यू पुटअप कर दिया, मतलब फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ माइनस x कर दिया। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँ तो माइनस x टू द पावर 4 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस 2 ऐसा हो जाएगा, दैट इक्वल माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया। कुल मिला के यहाँ पर देखिए हमने इसके वेरिएबल को निगेटिव किया तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स इसको अगेन हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। तो ऐसा फंक्शन जहाँ पर वेरिएबल के साइन को यदि अपोजिट कर दिया जाए, प्लस को माइनस या माइनस को प्लस कर दिया जाए और ऐसा करने पर इसके फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तब हम उस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो फंक्शन ऑफ एक्स एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल सेकंड दे रहा हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज अपने पास कॉस एक्स है, अब हम इसको कॉस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स तो कॉस ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस एक्स दैट इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, कॉस एक्स इज इवन फंक्शन। कई बार हमको इसका जरूरत पड़ता है कि कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, तो कॉस एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। ये आप कैलकुलस में जब इंटीग्रेशन करोगे, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फंक्शन आपके मैथमेटिक्स का बेस है, एक बहुत बड़ा बेस है, अदरवाइज आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड लास्ट 15 इज आर्ट फंक्शन। तो आर्ट फंक्शन क्या होता है, देखिए जस्ट अपोजिट इसका, सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स, अब यहाँ पर मैं इसको माइनस कर दूँ तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन कर लूँ तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्लियर। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो गया माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम जब फंक्शन में वेरिएबल के वैल्यू को निगेटिव किए तो हमारा पूरा फंक्शन ही निगेटिव हो गया, तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाएगा, आर्ट फंक्शन कहलाएगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री में इसका एग्जाम्पल दूँ तो इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। नेचुरली आप समझ गए होंगे यदि फंक्शन आप माइनस एक्स रखें तो हो जाएगा साइन माइनस एक्स दैट इक्वल माइनस साइन एक्स एंड दैट इज आल्सो रिटन एज माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। देखिए पूरा फंक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये हमारे हुए 15 फंक्शन। अब मैं आपको लास्ट में ये बात बताना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में आपने फंक्शन के डेफिनेशन से फंक्शन के टाइप तक आपने पढ़ा, और मैं बार बार ये बात आपको पढ़ाते वक्त बीच बीच में भी याद दिलाया, लास्ट में भी आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे फंडामेंटल जो मैंने आपको बताया उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो अटेंड करेंगे जिसमें मैं डोमेन रेंज निकालने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताऊंगा, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, लेकिन ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको कंटिन्यूअस मेरे वीडियोस से फ्लो में मिलता रहे, बीच का कोई भी टॉपिक आपका गैप होगा तो आप प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में खासियत है कि पूरा एक चैन की तरह, एक चैन स्टडी है। सपोज आपने बीच का कोई वीडियो मिस किया तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको वन बाय वन आपको लगातार देखना है तो आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।